Thank uh you. -huh. गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग बच्चे आ जाए ना बच्चे एक्चुअली कल आज आ, कल इंस्टीट्यूट पर क्लासेस स्टार्ट हो रही है ना तो थोड़ा सा काम रहता है तो मुझे उधर जाना पड़ रहा था इसलिए टेन मिनट मैंने जल्दी क्लास स्टार्ट कर दी आज तो स्टार्ट करें क्लास आज बहुत yeah. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है बच्चों हमने कैपलरिटी उससे पहले कुछ हम चीजें समझेंगे बेसिक आज एक दो मिनट और वेट कर लो बच्चों ने ज्वाइन करना है पहले मैं तुमसे दो चार चीज़ें पूछूंगा और आपने वो चीज़ें बतानी है मुझे ठीक है। एक तो आपने मुझे बताना है कोहेसिव फोर्सेस और एक बताना है एडहेसिव फोर्सेस क्या होती है कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस यस एक मुझे आपने ये टॉपिक क्लियर करवाना है दूसरा मुझे आपने प्रेशर एट डेप्थ एच बताना है तीसरा मुझे आपने क्लियर करना है एक्सेस प्रेशर ये तीन टर्म्स बच्चों मुझे आपने बतानी है फिर हम इसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो मुझे ये बताओ आप कोहेसिव फोर्स क्या होती है हाँ तेजस्वी कोहेसिव फोर्स क्या होती है को ऐसी फोर्स होती है जो मॉलिक्यूल्स के सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के अंदर लगती है जैसे कि वाटर के अंदर वाले H2O मॉलिक्यूल्स के अंदर लगती है यस तो बच्चों yes, एक कंटेनर है इस कंटेनर के अंदर हमने वाटर डाल दिया ठीक है अब जो ये वाटर है इन वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस लगेगी उन्हें क्या बोलेंगे कोहेसिव फोर्स फोर्स बिटवीन सेम सब्सटेंस, मॉलिक्यूल ठीक है एडहेसिव क्या होती थी एक कंटेनर है कंटेनर के अंदर हमने वाटर डाल दिया अब जो फोर्सेज लगेगी फोर्स बिटवीन डिफरेंट सब्सटेंसेस, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इसको क्या बोलेंगे हम एडहेसिव फोर्सेस एडहेसिव में क्या है ये वाटर है बच्चे और ये कंटेनर है मान लो ग्लास है तो वाटर के मॉलिक्यूल और कंटेनर जो ग्लास है उसके मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगी उसे बोलते हैं एडहेसिव फोर्स और जो फोर्स अकेले वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में लगेगी उसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स क्लियर वाटर और ग्लास के मोलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगी एडहेसिव अकेली वाटर के मोलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगी उसे क्या बोलेंगे हम कोहेसिव फोर्स इसमें कोई डाउट तो नहीं है बच्चों प्रेशर एट डेप्थ अगर एक कंटेनर है इस कंटेनर को मैंने पानी से भर दिया ऐसे इस कंटेनर को बच्चे मैंने ऐसे पानी से भर दिया तो इस पॉइंट पर एटमोस्फेरिक प्रेशर अगर पी नॉट है अगर मैं इस पानी के अंदर एच डेप्थ पे चला जाऊं तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा ये पॉइंट वन है ये पॉइंट टू है तो इस पॉइंट पर प्रेशर पी टू की वैल्यू कितनी होगी पी नॉट प्लस रो जी एच एच रो जी एच अच्छा बच्चों, अब इसके बाद आपको ये भी पता है एक्सेस प्रेशर के बारे में एक्सेस प्रेशर की अगर मैं बात करूं आपको मैंने बताया था अगर अंदर प्रेशर पी है बाहर पी नॉट है तो पी पी नॉट से क्या होगा ज़्यादा होगा पी माइनस पी नॉट इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर इसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर अब बच्चों इसके अंदर सरफेस हैं सरफेस ये आपने माइक ना अन आ, म्यूट रख लो इसको डिस्टरबेंस आ रही है इसके अंदर एक तो सरफेस बच्चों ये है ऐसे एक सरफेस है ऐसे और एक सरफेस है ऐसे तीन सरफेस थे मुझे बताओगे यहाँ पर P1 है यहाँ पर P2 है यहां पर P1 है यहां पर P2 है यहां पर P1 है यहां पर P2 है इनके लिए मुझे बताओगे बच्चों जरा यहां पर क्या होगा कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा पीवन. पी वन तो में पी होगा, सेकंड में P2 होगा और थर्ड में सेम होगा। थर्ड में सेम होगा। ये चीजें ना मैंने आज आपको यूज़ करके बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट करवाना है फाइव मार्क्स का और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, तो करें स्टार्ट स्टार्टअप आज का मेन कॉन्सेप्ट ये हमारा आज का बेसिक था जो मैंने पहले आपको करवाया हुआ था उसको रिवाइज़ किया इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके मैंने आपको आज का कन्सेप्ट करवाना है सबसे पहले बच्चों जो आज का कॉन्सेप्ट है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों कंटेनर है मेरे पास ऐसा कोई ठीक है इस कंटेनर के अंदर अगर मैं बात करूं सबसे पहली बात अगर मैं सरफेस की बात करूं अगर आप बच्चों कंटेनर के अंदर कोई भी लिक्विड डालते हैं तो उसका सरफेस आपने देखा कैसा कैसा होता है कैसा कैसा सरफेस हो सकता है उसका कंटेनर के अंदर लिक्विड का सरफेस कैसा कैसा हो सकता है यस yes, किसी को पता है एक तो ऐसा होता है ऐसा भी हो सकता है आप ध्यान से देखोगे तो सरफेस ऐसा भी दिखा सकता है, दिखाई दे सकता है आपको कंटेनर के अंदर और सरफेस आपको ऐसा दिखाई दे सकता है दो तरह के सरफेस दिखाई दे सकते हैं प्लेन भी दिखाई दे सकता है ऐसा प्लेन भी दिखाई दे सकता है ये सरफेस आपको कंटेनर के अंदर दिखाई देंगे अगर आप किसी लिक्विड को कंटेनर के अंदर डालते हो तो अब बच्चों ये सरफेस कब बनेगा ये आपको कब पता लगेगा ये माइक्रोस्कोप से देखने से आपको सरफेस दिखाई देगा ऐसे कर्व्ड आपको सीधा ही ऐसा कर्वड सरफेस दिखाई नहीं देगा बच्चों अब बात ये है कि ये जो सरफेस है ये फॉर्म कब होता है ये कब फॉर्म होता है और ये कब फॉर्म होता है ये हमने बताना है तो इसमें हम बच्चों जो कंसेप्ट लगाएंगे वही कंसेप्ट लगाएंगे कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस का सबसे पहले तो ये वाला सरफेस कब बनता है इसको समझने के लिए मैं आपको एक इसको देखो बच्चों ये जो सरफेस कब बनता है इसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास एक कोहेसिव फोर्स होती है और एक एडहेसिव फोर्स होती है ये पता है ना बच्चों आपको सभी को एक कोहेसिव फोर्स होती है और एक क्या होती है एडहेसिव फोर्स अब कोहेसिव फोर्स जो होती है वो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है तो मैंने उसका टेंजेंट ड्रॉ कर लिया ये है कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स क्या हो जाएगी कंटेनर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में उसका मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया ये है एडहेसिव फोर्स यस बच्चों यहां तक क्लियर है यस yes, सर अब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा बच्चे इधर होगा रिजल्टेंट बोलो दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट किस साइड होगा इस साइड होगा कि नहीं होगा अगर मैं इसकी बात करूं इसके अंदर कोहेसिव फोर्स किधर होगी और एडहेसिव फोर्स किधर होगी बच्चों? कोहेसिव फोर्स इस तरफ होगी? यस बच्चों? हाँ जी बच्चों? एक मिनट और मैं आपको फिर हाँ हाँ फिर से हा, फिर, फिर समझा दो दोबारा दोबारा समझाता हूँ दोबारा समझाता हूँ इसको मैं रब करके बच्चों दोबारा समझाता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ध्यान से समझो इस चीज को अगर मैंने एक कंटेनर है यहां पर लिक्विड का सरफेस ऐसा है ये वाला सरफेस है ये वाला सरफेस कब बनता है जब ये बच्चों एडहेसिव फोर्स है इसको मैंने एडहेसिव फोर्स लिखा है और जो लिक्विड के अंदर फोर्स लगती है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स और ये आ जाएगा नेट रिजल्टेंट तो सरफेस लिक्विड का ऐसा बन जाएगा बच्चों अगर मैं आपको बताऊं कि ये मेरे पास कंटेनर की वॉल है और लिक्विड का सरफेस जो बन रहा है ऐसे ऐसे बनने का मतलब क्या है लिक्विड का सरफेस एडहेसिव फोर्स जो लगेगी इस तरफ लगेगी और कोहेसिव फोर्स जो लगेगी वो इसके अंदर लगेगी ऐसे ये कोहेसिव फोर्स लग रही है और ये बच्चों नेट रिजल्टेंट फोर्स होगी इस तरफ ये होगी नेट फोर्स बच्चों अगर इसके अंदर देखोगे आप ये जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 होगा यहां कोहेसिव फोर्सिस ज्यादा हैं किससे एडहेसिव फोर्सिस और इस केस में बच्चे कोहेसिव फोर्सेस कम हैं कोहेसिव फोर्सेस कम है किससे एडहेसिव फोर्सेस से तो जो ये थीटा होगा नेट रिजल्टेंट का वो 90 से कम होगा एग्जाम्पल वॉटर की बात कर रहा हूं एग्जाम्पल मरकरी की बात कर रहा हूं पर यस बच्चों, अब मैं आपको समझा रहा हूं एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है समझो इस बात को एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है इसके अंदर बच्चों क्या है ये सरफेस है ऐसे हमारे पास एक सरफेस है ऐसे ये मेरे पास सरफेस है यहां पर बच्चों मैंने एक ड्रॉप ड्रॉ की है ये मैंने एक ड्रॉप ड्रॉ कर ली ये मेरी वाटर ड्रॉप है और ये एंगल बना रहा है बच्चों थीटा थीटा किसके साथ एंगल बन रहा है थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया बच्चों यहां पर एक टेंजेंट यहां पर ड्रॉ हो गया ये कौन सा टेंजेंट है बच्चों अलोंग द सरफेस ऑफ द ये सरफेस के अलोंग है ये लिक्विड के अलोंग है अब दोनों के बीच में जो एंगल बना उसे बोलेंगे एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट यानी एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है एक्सटेंट ऑफ कॉन्टेक्ट टेक्ट ऑफ लिक्विड विद सरफेस अगर बच्चों ड्रॉप हमारे पास ऐसी होती तो देखना अगर ड्रॉप हमारे पास होती ऐसी तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या बनता कोई बताएगा मुझे अगर ड्रॉप ऐसी होती टेंजेंट ड्रॉ करना एक तो लिक्विड के साथ ड्रॉ कर लिया और एक सरफेस के साथ टेंजेंट ड्रॉ कर लिया दोनों में एंगल कितना बना बच्चों ये थीटा एंगल बना यहां पर थीटा जो है लेस देन 90 है यहां पर जो थीटा है 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 बच्चों वो ग्रेटर देन 90 है। ये किस में होता है? मर्करी के के केस में होता है ये किसके केस में होता है ये वाटर के केस में होता है बच्चों अगर मैं बात करूं तुम्हें पता है मर्करी सरफेस के साथ स्टिक नहीं करती बच्चों पता है आपको मर्करी सरफेस के साथ स्टिक नहीं करती क्यों नहीं करती क्योंकि एंगल ऑफ कंटेक्ट थीटा ग्रेटर देन 90 होता है तो इसको लिखते हैं नो वेटिंग कोई वेटिंग नहीं होती अब जो वाटर होता है उसमें एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा लेस देन 90 बनता है तो यहां पर वाटर क्या होता है सरफेस के साथ स्टिक कर जाता है जिसको बोलते हैं वेटिंग बच्चों ये नोट कर लो थोड़ा सा आपको रिवीजन करके आपको समझ आएगा ये टॉपिक फटाफट आप नोट कर लो इसको पहले नोट करने वाला काम कर लो नोट कर लिया बच्चों आपने yes, त्रिपन बच्चे समझ आ रहा है तुम्हें ओके yes, okay. ये नोट कर लो थोड़ा सा मैं आप दोबारा फिर बता रहा हूं यही चीज आपको रिपीट करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा और मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चे मैंने अभी आपको ये बताया अगर किसी कंटेनर के अंदर आपने लिक्विड डाला और उस लिक्विड के सरफेस या तो ऐसा बना या तो ऐसा बनेगा जा सरफेस लिक्विड का कंटेनर के अंदर ऐसा बनेगा यह आपको माइक्रोस्कोप से देखने से पता लगेगा ऐसा कब बनेगा और ऐसा कब बनेगा कोई बता सकता है मुझे अब तक हमने यही बताया ये सरफेस किसका है ये सरफेस किसका है ये बता सकता है कोई मुझे यस yes. वाटर के लिए कौन सा सरफेस है दोनों में ये बता दो मुझे वाटर के लिए कौन सा है मर्करी के लिए कौन सा है ये बता दो चलो यस yes, वाटर के लिए कौन सा होगा बच्चों ये वाटर के लिए है और ये किसके लिए है मर्करी के अब आपको कैसे पता लगेगा ये वाटर के लिए ये मर्करी के लिए अभी मैंने आपको बताया ये आप यहां पर एक एंगल ड्रॉ कर लो एक एंगल ड्रॉ कर लो ये एंगल कितना बन गया थीटा ग्रेटर देन और यहां पर ड्रॉ कर लो एंगल ये एंगल दोनों का टेंजेंट ड्रॉ कर लिया सरफेस का ये एंगल थीटा लेस देन नाइनटी थीटा लेस देन नाइनटी होगा तो वाटर होगा थीटा ग्रेटर देन नाइनटी होगा तो मरकरी होगा क्लियर हो गया बच्चों ये चीज मैंने आपको अभी तक बताई है इसके बाद मैंने इसका यूज करवाना है अभी आपको अभी मैंने आपको करवाना है कैपिलरी कैपिलरिटी कैपिलरिटी क्या होती है अ ट्यूब बहुत पतली ट्यूब ऑफ वेरी स्मॉल डायमीटर कहता है एक ट्यूब जिसका डायमीटर बहुत कम है बिल्कुल पतली सी ट्यूब ऐसे इसको बच्चों बोला जाता है तो लिखो जब किसी कैपलरी ट्यूब को जब ये कैपलरी ट्यूब को किसी कंटेनर के अंदर डाला जाता है जिसके अंदर लिक्विड है ये लिक्विड है बच्चों, मैंने कैपलरी ट्यूब को कहा डाल दिया इस कंटेनर के अंदर डाल दिया जैसे ही मैंने कैपिलरी ट्यूब को इस कंटेनर के अंदर डाला तो लिक्विड इसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चों राइज कर जाएगा ऐसे लिक्विड इसके अंदर राइज कर जाएगा जा क्या होगा यस yes, बच्चों थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो लिक्विड जा तो इसके अंदर राइज कर जाएगा जा क्या होगा एनी स्टूडेंट जा क्या होगा जा तो लिक्विड राइज करेगा जा क्या होगा जा इसके अंदर फॉल कर जाएगा कम हो जाएगा लिक्विड का लेवल जा तो राइज करेगा जा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा फॉल ऑफ लिक्विड लेवल इन कैपलरी और ये क्या है राइज ऑफ लिक्विड लेवल अब इसको बोला जाता है बच्चों कैपिलरिटी। दिस इज कॉल्ड कैपिलरिटी। डेफिनेशन लिख लो डेफिनेशन लिख लो सरफेस टेंशन कॉजेज एलिवेशन और डिप्रेशन ऑफ द लिक्विड इन नैरो ट्यूब दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कैपिलैरिटी दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कैपुलरिटी इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है बच्चों कैपलेरिटी अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ वैन द कॉन्टेक्ट एंगल इज लेस देन नाइंटी अगर कॉन्टेक्ट एंगल लेस देन 90 होता लिक्विड राइज इन द ट्यूब अच्छा बच्चों ये बताओ वेन द कॉन्टेक्ट एंगल इज ग्रेटर देन 90 तो क्या होगा जल्दी बोलो लिक्विड फॉल्स इन द ट्यूब द सरफेस इज डिप्रेस्ड इसको लिख लो बच्चों द सरफेस इज डिप्रेस्ड पुलिंग डाउन बाय द सरफेस टेंशन जल्दी से लिख लो बच्चों इसको बाय द सरफेस टेंशन अब बच्चों मैं आपको आर्टिकल करवा रहा हूं मेरी गारंटी है फाइव मार्क्स का आपको पेपर में पक्का आएगा ही आएगा ये आर्टिकल फाइव मार्क्स का आर्टिकल पेपर में पक्का आना ही आना है बच्चों मैं इसको रब कर रहा हूं आपको कैपिलैरिटी समझ आ गया कैपिलरिटी क्या होता है कैपिलरिटी के अंदर क्या होता है एक बहुत फाइन ट्यूब होती है पतली सी जिसको जब पानी के अंदर रखा जाता है तो उसके अंदर जो वाटर का लेवल है या तो राइज करेगा या फॉल करेगा उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों कैपिलरिटी बच्चों मैं रब कर दूं इसको ओके yes, okay. महक बच्चे आप लेट हो गए अब आपको थोड़ा कम समझ आएगा बेसिक सारा निकल गया महक हेलो yes, yes, बच्चे आपको थोड़ा कम समझ आएगा सारा बेसिक निकाल दिया तुमने ट्वेंटी फाइव मिनट की क्लास निकल गई कोई बात नहीं आप जितना समझ आता है ना आप नोट no डाउन कर लेना ये ना मैं फाइव मार्क का दूसरी बात ये चैप्टर बिल्कुल एंड स्टेज पे है आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपको आज दिक्कत आएगी ठीक है बच्चे हाँ फाइव मार्क का क्वेश्चन है पेपर में हंड्रेड परसेंट मेरी गारंटी है पेपर में आएगा ही आएगा ये आर्टिकल ये हमारा आर्टिकल है राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब स्टेटमेंट बना लो बच्चों राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपलरी ट्यूब कैपलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड का राइज होना मैं एक बार बेसिक आपको फिर बता रहा हूं बच्चों जब किसी कैपलरी ट्यूब को कैपलरी ट्यूब क्या होती है बच्चों बहुत yes. हाँ ए, एक a एक पतली सी ट्यूब जिसका डायमीटर बहुत कम है जैसे आपने देखा होगा सिपियां सी नहीं होती जो सूट पर लगाते हैं सिपियां पतली पतली सी पाइप्स होती हैं उसको कैपिलरी बोला जाता है बच्चे वही कैपिलरी की तरह काम करती हैं अब जब इस मैं एक बार फिर रिवाइज करवा रहा हूं जब इस कैपिलरी को किसी लिक्विड के अंदर डाला जाता है जैसे मैंने लिक्विड के अंदर इस कैपिलरी को डाल दिया पता क्या होता है ऑटोमेटिकली ये इस ट्यूब के अंदर अगर ये वाटर होगा तो ये पानी इसके अंदर राइज कर जाएगा ऐसे अपने आप आपको सोक करने की नीड नहीं है अपने आप पानी इसके अंदर क्या हो जाएगा राइज कर जाएगा यानी इधर से वाटर इस तरफ चला जाएगा कोई डाउट तो नहीं है बच्चों यहां तक दूसरा मैंने आपको केस बताया अगर वाटर की जगह कोई और लिक्विड डाल दो इसके अंदर कौन सा लिक्विड डाल दो मरकरी डाल दो जब हमने इसके अंदर मरकरी डाल दी तो पता क्या होगा हां जी बच्चों तो क्या होगा बोलोगे कोई, कोई अभी बताया मैंने आपको हाँ अब इस ट्यूब के अंदर जो ये लिक्विड है उसका लेवल कम हो गया बाहर लेवल ज्यादा है अंदर कम हो गया यहाँ पर फॉल ऑफ लिक्विड लेवल यहां पर क्या है बच्चे राइज इन लिक्विड लेवल ये मैंने आपको बता दिया ऐसा क्यों होता है इसमें वाटर में ऐसा राइज क्यों होता है और मर्करी के केस में ऐसा फॉल क्यों होता है ये मैंने आपको रीजन बता दिया अब मैंने इसकी बच्चों आपको डेरिवेशन करवानी है कितना राइज हो गया या कितना फॉल हो गया वो मैंने एच निकालना है बच्चों ये डेरिवेशन फाइव मार्क की पेपर में पक्का आती है तो करे स्टार्ट यस yes, बच्चों डेरिवेशन स्टार्ट करें ओके yes, okay, बच्चों तो डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं मैं पहले फॉल वाले को रब कर रहा हूं मैंने राइज वाला करवाना है तो मैं राइज वाला कर रहा हूं राइज वाले में बच्चे मैं इस चीज को जूम कर रहा हूँ देखना इसके अंदर मैं इस चीज को इस ट्यूब को मैं जूम कर रहा हूं इसको मैंने जूम कर दिया जूम करके क्या हो जाएगी ये पाइप बड़ी हो जाएगी ऐसे बच्चे हो जाएगी बढ़िया से ज़ूम करके हमने इसको स्टडी करना है अब इसके अंदर जो लिक्विड था अगर ये वाटर वाटर होगा का सरफेस कैसा होता है बताओगे मुझे वाटर का टॉप सरफेस ऐसा होता है ऐसे कर्व्ड मैंने बताया था अभी आपको अगर वाटर होगा तो सरफेस ऐसा होगा अगर मर्करी होगा तो टॉप सरफेस कैसा होगा ऐसा होगा ये आपको आ, नेक डाई से नहीं दिखेगा ये आपको माइक्रोस्कोप से देखने से दिखेगा जब आप वॉटर को किसी ग्लास में डालोगे उसका टॉप सरफेस ऐसा होगा मरकरी के, के केस में ऐसा होगा अब बच्चों इसका जो टॉप सरफेस है वो कैसा होगा वो मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं कुछ ऐसा होगा यस बच्चों रिस्पॉन्स करो थोड़ा सा आर्टिकल फाइव मार्क का है पेपर में आएगा रिस्पॉन्स करो क्लियर है यहां तक बच्चो yes, ये टॉप सरफेस है कैपलरी के अंदर लिक्विड का अब बच्चों मैंने इसको ना इमेजिनरी ऐसे एक सफियर सा बना दिया ये इमेजिनरी सफियर सा बन गया अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ अब इस सरफेस पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करना होगा मुझे एक ऐसे ड्रॉ करना होगा एक ऐसे ड्रॉ करना होगा जो दो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो उन टेंजेंट के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं बच्चों बताओगे एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ वेरी गुड दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा। इसको एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं थीटा। अब बच्चों इसके अंदर अब ये देखो ये लिक्विड है लिक्विड पर सरफेस टेंशन लगेगी उस सरफेस टेंशन को हम सिग्मा से भी डिनोट करते हैं और एस से भी डिनोट करते हैं आपको याद है ना सरफेस टेंशन जो लगती है सरफेस पर उसको मैं सिग्मा से भी डिनोट करता हूं मैं उसको एस से भी डिनोट करता हूं इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को यस yes, बच्चों ये सरफेस टेंशन इधर को लग रही है तो मैं इसका ये टेंजेंट ड्रॉ करूं तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी ऐसे लगेगी ये एंगल ठीटा है तो ये एंगल भी ठीठा होगा तो मुझे ये कंपोनेंट बता सकता है कोई कितना होगा और ये कंपोनेंट बता सकता है कोई कितना होगा यस एंगल के साथ वाला कौन सा कंपोनेंट होता है महक एंगल के साथ वाला बच्चे कौन सा कंपोनेंट होता है कंपोनेंट कंपोनेंट अगर मैं आर ड्रॉ कर रहा हूं ये एंगल थीटा है तो एंगल के साथ कौन सा कंपोनेंट होता है यस महक एंगल के साथ कौन सा कंपोनेंट होता है थीटा भूल गए तुम एंगल के परपेंडिकुलर ये दूसरा कंपोनेंट क्या होता है साइन थीटा तो बच्चे अगर ये सरफेस टेंशन एस है तो ऊपर को कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा एस थीटा इस तरफ कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा एस साइन थीटा कोई डाउट है किसी को यहां तक यस yes, बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट है इसी तरह यहाँ पर भी सरफे टेंशन इधर लगेगी इधर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा होगा इधर एस लगेगी ये एंगल थीटा होगा, ऊपर को कौन सा कंपोनेंट होगा यस yes, बच्चों जल्दी बोलो थीटा। ये वाला कौन सा होगा साइन थीटा। एस साइन थीटा। बच्चे ये साइन थीटा तो साइन थीटा से कट गया है हाँ ना ये दोनों कट गए ऊपर को कौन से कंपोनेंट रह गए अकेले कॉस एसकोस्टिटा रह गए कितनी लेंथ पर लगेंगे ये पूरी लेंथ पर लगेंगे मुझे आप पूरी सरफेस की लेंथ का आपको फॉर्मूला पता है कितनी होती है टोटल सरफेस की लेंथ कितनी होगी बच्चे ये सरफेस की टोटल लेंथ कितनी होगी कौन बताएगा टू पाई टू पाई आर पाई आर।, पाई आर मैंने इसका बच्चों रेडियस अज्यूम कर लिया आपने एक भी कॉन्सेप्ट को इसको लर्न नहीं करना मैं बहुत आराम से करवा रहा हूं समझा के करवा रहा हूं अगर आपको कोई डाउट हो तो बच्चे पूछ लेना अब बच्चे मुझे ये बताओ आप इसका सरफेस कुछ ऐसा है ये वाला रेड वाला सरफेस है अगर बच्चों ये रेड वाला सरफेस है तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पर भी प्रेशर होगा और यहां पर भी प्रेशर होगा ये प्रेशर पी वन होगा ये पी टू होगा कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा मुझे बताएगा कोई P1. कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा यहाँ पर पी वन ज्यादा होगा P2 से ये तो आपको कोई डाउट नहीं है ये तो मैंने आपको करवाया हुआ है अगर ऐसा होता सरफेस तो क्या होता बच्चों अगर ऐसा सरफेस होता ये पी वन है ये पी है तो क्या होता अब आप ये देखो ये वाला सरफेस है बच्चों यहां पर दो पॉइंट हैं एक पॉइंट वन है और एक पॉइंट टू है तो मुझे बता दो कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा पी वन किससे ज्यादा होगा पी टू से ज्यादा होगा किसी को कोई डाउट है यहां तक हां जी बच्चों कोई डाउट है no, अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ अगर यहां पर प्रेशर है तो तुम्हें पता है प्रेशर क्या होती है फोर्स अपॉन एरिया तो फोर्स क्या हो जाएगा प्रेशर इन टू एरिया तो यहां पर फोर्स कहां लगेगी इधर को लगेगी सरफेस जाएगी इन टू एरिया ये एरिया सरफेस का क्या होता है बच्चों पाईआर का स्क्वायर इसी तरह जो प्रेशर यहां पर है वो किधर लगाएगा सरफेस पर ऐसे नीचे को लगाएगा उसकी वैल्यू बताओगे कितनी होगी जल्दी वेरी गुड अब बच्चों आप मुझे ये बताओ इसके अंदर तो लिक्विड भी है है ना इसके अंदर तो लिक्विड भी भरा हुआ है लिक्विड का वेट कहाँ लगेगा अब बच्चों ये देखो चलो इसको छोड़ो अब आप ये देखो कि एक फोर्स नीचे लग रही है और एक फोर्स ऊपर लग रही है नीचे कौन सी फोर्स लग रही है P1 वन पाई आर स्केयर ये नीचे लग रही है देखो नीचे को कौन सी लग रही है P1 वन पाई आर स्केयर ऊपर को कौन सी लग रही है बच्चे जल्दी बोलो ऊपर को P फोर्स कर... P2 टू पाई, पाई आर स्केयर बच्चे एक फोर्स ऊपर को और लग रही है कौन सी लग रही है ये देखो ये सरफेस टेंशन वाली भी तो फोर्स ही होती थी ये भी ऊपर को लग रही है कितनी लग रही है कॉस थीटा कितनी लेंथ पर लग रही है 2 r. अगर मैं फोर्स को बच्चों ये जो फोर्स लग रही है कितनी लग रही है एसकॉस थीटा तुम्हें पता सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता था फोर्स अपॉन लेंथ याद है बच्चों आपको yes. तो फोर्स कितनी हो जाएगी सरफेस टेंशन इंटू एल सरफेस टेंशन कितनी लग रही है बच्चों बच्चो थीटा लग रही है इन टू लेंथ टोटल की टोटल लेंथ कितनी है बच्चों टू पाई आर अगर बच्चों ये स्टेप आपको क्लियर हुआ तो बताओ मुझे इस स्टेप में कोई डाउट तो नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पांच नंबर आपके पक्का गारंटी है आपके पेपर में आने ही आने हैं हां जी बच्चों कोई डाउट है इसमें सर लेकिन ये दोनों फोर्स इक्वल कैसे होंगे अपवर्ड और आउटवर्ड वाली फोर्स बच्चे अगर ये लिक्विड कंटेनर के अंदर स्टेशनरी है ये चल नहीं रहा तो डाउनवर्ड वाली फोर्स अपवर्ड वाली फोर्स के बराबर होती है ये न्यूटन का सेकंड लॉ है ओके आर से आर कट गया पाई से पाई कट गया साथ-साथ आप लिखते भी जाना बच्चों तो p1 पी वन इंटू आर इज इक्वल टू पी टू इंटू आर प्लस एस कोजीटा इंटू टू भी था यहाँ पर बच्चों आर से मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो पी वन इज इक्वल टू पी टू टू एस कॉस ठीटा बाय आर आ गया यहाँ तक देख लो बच्चों कोई डाउट है किसी को हमारी डेरिवेशन डेरिवेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है बच्चों पांच नंबर की ये डेरिवेशन पक्का पेपर में आपको आनी ही आनी है साथ साथ नोट करते जाओ या जा स्क्रीन शॉट ले लो हां जी बच्चों ये पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू टू एस कॉस्टिटा बाई आर इसको क्या बोलते हैं बच्चों एक्सप्रेशन ऑफ वेरी गुड दिस इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर इसको डिनोट करते हैं डेल्टा पी टू एस कॉस थीटा बाय आर कोई डाउट है तो यहां तक बताओ आप यही लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगा कुछ देर में तो आपको अगर कोई डाउट होगी इसमें तो वो क्लियर कर लेना आप रिकॉर्डेड से लगाकर अगर उसमें भी क्लियर ना आए तो फिर आप कल मुझसे डाउट क्लास ले लेना इसकी बच्चों ये एक्सेस प्रेशर आ गया यहां तक किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो मुझसे एनी स्टूडेंट यस एनी स्टूडेंट अगर कुछ पूछना चाहते हो मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चे हाँ जी हां जी बच्चे Sorry, एक्सेस प्रेशर का मतलब बच्चे क्या है देखो कोई भी लिक्विड की ड्रॉप है उसके अंदर प्रेशर होगा बाहर बाहर भी प्रेशर होगा, बाहर किसका प्रेशर होगा होगा ना किसका एयर का अंदर अंदर कोई प्रेशर प्रेशर होगा अब ज़्यादा है बाहर प्रेशर कम है तो दोनों के प्रेशर डिफरेंस को बोलते हैं एक्सेस प्रेशर अब देखो ये ये कंटेनर है कंटेनर के अंदर ये लिक्विड है मैंने लिक्विड डाला यहां पर बच्चे ये लिक्विड डाला मैंने ऐसे लिक्विड के अंदर पॉइंट है लिक्विड के बाहर पॉइंट है ऊपर तो प्रेशर दोनों में अलग अलग होगा लिक्विड के अंदर अलग होगा लिक्विड के बाहर अलग होगा दोनों में जो प्रेशर डिफरेंस होगा दैट प्रेशर डिफरेंस इज कार्ड एक्सेस प्रेशर ठीक है बच्चे ओके yes, okay. अब बच्चों मैं आपको ये रब करवा रहा हूं और आगे चल रहे हैं बच्चों अब ध्यान से समझना मेरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं ये मेरे पास एक कैपलरी ट्यूब थी ऐसे साथ-साथ डायग्राम भी बनाते जाना। ये मेरे पास एक कैपलरी ट्यूब थी ये मेरे पास ऐसे लिक्विड था बच्चों वॉटर था एक तरह का ये मेरे पास क्या था एक वॉटर था तुम्हें पता है वॉटर का लेवल इसके अंदर ट्यूब के अंदर बच्चों क्या कर जाता है राइज कर जाता है कितना राइज कर जाता है लेटर सपोज एच राइज कर जाता है ठीक है अब ये राइज क्यों कर रहा कर रहा है क्योंकि इनमें पहली बात बात तो प्रेशर डिफरेंस है मिनट इसको मैं अभी बाद में बात करता हूं कितना राइज करता है सबसे पहले तो आप ये देखो अब आपको याद है ये सरफेस कैसा था ऐसा था कंटेनर के अंदर अभी मैंने राइज नहीं करवाया मैं राइज करने का रीजन बता रहा हूं क्यों राइज कर रहा है अब अब ध्यान से समझना बच्चों यहां पर वाटर अगर डालोगे आप कंटेनर के अंदर तो उसका सरफेस ऐसा होगा कि नहीं होगा मुझे ये बताओ फटाफट ये yes, बच्चे बाहर प्रेशर पी नॉट होता है यहां पर अंदर प्रेशर कितना होगा पी होगा बोलो यहां पर ये सरफेस डिफरेंट है तो यहां पर प्रेशर पी होगा और यहां पी नॉट होगा यहां पर सरफेस प्लेन है बच्चों मैंने आपको बताया था अगर सरफेस प्लेन हो तो जो प्रेशर दोनों तरफ होगा वो सेम होगा अगर मैंने आपको ये भी बताया था और मैंने आपको ये भी बताया था इसका मतलब क्या होता था बच्चों और इसका मतलब क्या होता था जल्दी बोलो इसका मतलब p1 p2 से बड़ा था और इसका मतलब p1 p2 से बड़ा था ये आपको तीनों क्लियर हैं बच्चों ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं आपको यस yes, सर आपने सेकंड वाला थोड़ा सा उल्टा लिख दिया सेकंड yes, वाला कैसे इसमें p2 ग्रेटर देन p1 नहीं होगा हाँ ये p2 सेकंड वाला ना हाँ जी नहीं, नहीं। नहीं सर ठीक है ठीक है ये तो ठीक ही है ना ये बच्चों मैंने आपको ये बनाए थे ये वाले दो सरफेस करवाए थे अगर ये P1 है ये P2 है ये P1 है ये, P1 है, ये P2 है बताना जरा जल्दी इसमें इसमें कौन सा ज्यादा होगा P1 P2 से ज्यादा होगा और इसमें क्या होगा P2 P1, तो P2, P1 P2, से तो यही चीज तो बताई है मैंने आप ध्यान से देखो अगर यही चीज मैंने यहां बताई है अब बच्चों ये मुझे बताओ अब ये सरफेस प्लेन है तो जो प्रेशर सरफेस के नीचे होगा वही ऊपर होगा बताओ जल्दी बच्चों ये चीज बताओ yes, ये sir. ये पॉइंट वन है ये पॉइंट टू है ये पॉइंट वन है ये पॉइंट टू है ये पॉइंट वन है ये पॉइंट टू है यहां पर पॉइंट वन और पॉइंट टू पर सेम यहां पर भी पॉइंट वन और पॉइंट टू पर सेम यहां पर पॉइंट वन पर और पॉइंट टू पर अलग अलग होगा कि नहीं होगा यस yes, yes, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक बच्चे आपको यस yes, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब यहां पर कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा पी नॉट या पी जल्दी पी नॉट जा पी तो पी नॉट पी नॉट पी नॉट पी से ज्यादा